शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र के मुख्य मार्केट बंगला लाइन में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर चोरों ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोना चांदी के जेवरात पार कर दिए। वारदात का पता तब चला जब संचालक बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे दुकान पहुंचा। ज्वेलर्स रवि पाहुजा के अनुसार चोर 6 किलो सोना, 10 किलो चांदी, 1,05,000 रुपए नगद और हीरे की ज्वेलरी ले गए। चोरी गए जेवरातों की कीमत 3,17,55,000 रुपए आंकी गई है। शहर में अब तक चोरी की ये सबसे बड़ी वारदात है। चोर अपने साथ गैस कटर भी लेकर आए थे, जिसे दुकान की तिजोरी काटकर जेवरात निकाले। सूचना मिलते ही माधवनगर TI विजय विश्वकर्मा, पुलिस टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने कहा कि मामले की जांच एडिशनल SP को सौंपी है, शीघ्र खुलासा किया जाएगा। कल रात को 8:30 बजे लगभग दुकान बंद करके गया था। फिर आज सुबह जब आया हूँ 10:30-11 बजे तो मैंने पाया कि मेरे दुकान के पीछे से दीवार टूटी हुई है, सामान सब मेरा चोरी हो गया। मेरी नगद रही 1,05,000 रुपये, सोने के जेवर रहे 6 किलो के, चांदी के जेवर रहे मेरे लगभग 10 किलो के उसमें, और गोल्ड और डायमंड जड़ी ज्वेलरी मेरी रही उसमें 10 लाख रुपए के करीब की। लगभग सबके अनुमानित कीमत 3,17,55,000 रुपए होगी। मेरे दुकान के पीछे से ही दीवार तोड़ के ये लोग अंदर घुसे हैं और गैस कटर से ये सब जोड़ी जोड़ी काटे हैं इन्होंने। कैमरे चालू में आए हैं, दर्शाए हैं कुछ कैमरे में? कैमरों में बाहर वालों के इसमें देखना पड़ेगा कि किन में आया है कि नहीं आया है। आपका कैमरा चालू नहीं? मेरा कैमरा नहीं था चालू।